तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा कर थे जाने वो कौन सा है, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। पलक झपकती है ऐसा लगता है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी ने कहा ये ही जीवन है, इसी जीवन के लिए ऊपर वाले ने भेजा, जब तक है जी लीजिए, कल किसी का नहीं। पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते ये घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाँ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, चले गए। कहते हैं जीवन में जो भी होता है हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है, उस कारण को पहचानना सबसे ज्यादा उत्तम है, सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं जब मुश्किल सिर पे आती है तो हर तरफ से ऐसा लगता है हमें घेर लेती है, लेकिन उस समय ऊपर वाले पे यकीन, उन पे भरोसा रखना जरूरी है कि जो भी वो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है, और कारण हमेशा अच्छा है, हमेशा अच्छा है। मेरे साथ मिलकर गाइए। Oh,
झोली में काटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। इसको मन में समझ लीजिए, इसको मन में समा लीजिए, एक एक शब्द सत्य वचन की तरह ले लीजिए। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर? हाँ तू क्यों है गंभीर? अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। महसूस करते हुए इसको आप सुनिए, अपने भीतर जाने दें। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए सब लोग। जो आया है उसको जाना, ये तो बना विधान। जो आया है उसको जाना, ये तो बना विधान। जिसने भेजा उसने बुलाया, करे उसका गुणगान, ओ करे उसका गुणगान। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। धन के बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। धन के बिस्तर तुम मिल जाए, नींद को तरसे न। कांटों पर भी सो कर आए, किसी के मन को चैन, हाँ किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। अंकल जी की फरमाइश पे उनके लिए उनका एक मन पसंदीदा भजन जरूर हम गाएंगे, सतगुरु मैं तेरी बदन।
सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, साईया मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सब लोग सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। कहते हैं गुरु का दर बड़ी मुश्किल से जीवन में किस्मत वालों को मिलता है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं हमारा साथ कभी ना छोड़ेगा। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है, साईया तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है, साईया तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है, ओ गुरु जी तेरा सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है, साया तेरा सहारा है। जे कट गई ता गुरु जी, जे मैं कट गई ता गुरु जी, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, साईया डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग। राम नाम जपते हैं एक बार और, सब लोग मेरे साथ मिलकर इसको जपिएगा। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सब से भी प्रार्थना है, जो भी जहां से भी सुन रहे हैं, कि सब एक साथ मिलकर मेरे साथ राम नाम जपिएगा। आंखें बंद कर लीजिए, इस भाव के साथ रहें, इस समय जो आपके मन में आपको महसूस हो रहा है उसके साथ रहें। लोग मेरे साथ जपिएगा, शत प्रतिशत देकर जरूर जपिएगा। तू ही माता, तू
से सब लोग साथ मिलकर गाएं। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा पूरे मन से पूरे भाव से
राम नाम जपिए, ध्यान से सुनिए, जीवन की सच्चाई बता रहा है ये मुझे। से तू प्राणी राम नाम की जोत जगा कर, राम नाम की जोत जगा कर अपना भाग्य जगा ले, मन में राम बसा ले, जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, बोल राम जय जय राम, सब बोली बोल राम, शत प्रतिशत देकर 100%, बोल राम जय जय राम जय जय राम, बोल राम जय जय राम। भजन में डूब कर अपनी, राम भजन में डूब कर अपनी, निर्मल कर दे काया, गुरुजनों से प्रीत लगा कर, गुरुजनों से प्रीत लगा कर जीवन पार लगा ले, मन में राम बसा ले, जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन मेरा, सब लोग बोलेंगे शत प्रतिशत, बोल राम जय जय राम जय जय राम, गाइए मेरे साथ, बोल राम जय जय राम जय जय राम, 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 हो हे राम राम हे राम, हे राम राम हे राम, हे राम राम हे राम, हे राम राम हे, बोल राम जय जय राम जय जय राम, बोल राम जय जय राम जय जय राम, बोल राम जय जय राम जय जय राम। एक साथ मिलकर ऊपर वाले को यहीं बुला लेते हैं, पूरे भाव से, पूरी प्रार्थना से अपने भीतर बुला ले, अपने घर में बुला ले, मेरे साथ मिलकर ये सुंदर सा भजन गाइएगा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन
कहते हैं भगवान आते नहीं। भक्त मीरा की जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। सब लोग बताइएगा एक साथ मिलकर, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। सब लोग बोले, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान रोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं। सुदामा की तरह तुम रुलाते नहीं, सुदामा की तरह तुम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। सब लोग बोलिए साथ में, एक साथ बताइए, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे साथ गए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। मेरे साथ ये दो लाइनें दोहराई हैं, नाम जपते चलो काम करते चलो, पूरे भाव में, नाम जपते चलो काम करते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। याद आएगी उनको कहीं ना कहीं, शत प्रतिशत एवरीवन। याद आएगी उनको कभी ना कभी, वो कृष्ण दर्शन करेंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन करेंगे कभी ना कभी। गुरु जी दर्शन करेंगे अभी के अभी, वो दर्शन तो देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म करते हैं, अंत में शांति मंत्र बोलते हैं। आंखें बंद करके सब लोग आराम से बैठिए। मेरे साथ दुख बोलिएगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रस्म पगड़ी करते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु हैव जॉइंड अस ऑन जूम एंड हु आर प्रेजेंट हियर। वी आर हियर टुडे फॉर श्री सतीश ढींगरा जी टू प्रे फॉर हिज सोल, उनकी आत्मा की शांति के लिए। कुछ पल आंखें बंद करके बैठे और उनको आशीर्वाद दें, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद दें, सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। दर्शन प्रबल ढींगरा एंड वाइफ विजय ढींगरा जी, डॉटर इन लॉ निधि ढींगरा जी, ग्रैंड किड्स वरेशन आर्यन ढींगरा, डॉटर सुरभि, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर फॉर सतीश ढींगरा जी। He was a very honest, very generous, loving, and a very kind family man, a very hard-working person. And he really lived his life beautifully throughout. Thank you so much. I am Dr. Prakhar and I thank each and every one of you. Thank you.
इधर कर रहे हैं रस्म पकड़ी, उस तरफ कैमरा को कर लीजिए, इस कैमरा को कर दीजिए फिर ना, आई थिंक डिस्चार्ज होने वाला है, इसका कैमरा ऑन होगा ना, माइक की जरूरत नहीं है, इससे हो जाएगा। भद्रम कणिभीष्णयामु देवा भद्रम पश्ये माचिभिजितरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा गं तस्तनुभिर्वेशमहि देवा हितं यदायुः सतमिन्नो सरदो वन्ति देवा जत्रान सकराज रसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिक्ता युगंतो अदतिर्दौरदरन्तरिक्ष मदतिरमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवः अदतिः पञ्चजनः अदतिरजातम् मदतिरजनितम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः रौखदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्ति सामा शान्तिरेधिः ओम सुशान्तिर्भवतु यतो यता समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यं अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन् महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराय भ्याम नमः वाणी हिरणगर्भा भ्याम नमः सचि पुरंदरा भ्याम नमः मातृ पिचण कमले भ्यो नमः इष्ट देवता भ्यो नमः कुल देवता भ्यो नमः ग्राम देवता भ्यो नमः स्थान देवता भ्यो नमः सर्वेभ्यो देव भ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मण भ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताम श्री मन महागणाधिपति और
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांतिः 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आयुष कामा यशस कामा पुत्र कामा तथैव च आरोग्यम धन कामश्च सर्वे कामा भवन्तु ते मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धि नाशो अस्तु मित्राणां उदयस्तव श्रीमद्राधुरंधरा तब्दसो पूर्णं चंद्रमा दानी कर्म सुमेर कोष विद्रम ज्ञानं बलं भिम भवत आयुर्लोम समार कंठ ऋषियो एदो तथा भानवा रक्षा करें पार्वती जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी माने कल्याण करें
राम राम पापा। इस घर आके किसको बोलूं कि राम राम पापा? पापा आज याद आता है वो हर पल जो आपके साथ हंस कर बताया, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ आपने सिखाया। आपने अपने जीवन में किसी को भी दुखी नहीं किया और दोनों हाथ खोलकर सबको बहुत कुछ दिया। आपके साथ सब पूरी दुनिया देखी, दुनिया की सैर आपने खूब कराई। वैसे तो आपने कभी नहीं मुझे डांटा, पर आज आपकी एक डांट याद आती है। सुरभि हल्ला करेगी तो गर्मी की छुट्टियों में घुमाने नहीं लेकर जाऊंगा। और फिर हर साल एक नई जगह घुमाने ले जाते थे। अब आपके बिना ये दुनिया रंगीन नहीं लगेगी। जीवन का हर पहलू को आपने अपने अनुभव से बताया। आई विल मिस लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ योर लाइफ विच वॉज सो इंस्पायरिंग एंड विल मिस योर प्रेजेंस, विल मिस हियरिंग योर वॉइस, but my heart will have conversation with you every day. I want to thank you, Papa, for everything you have given me. Thank you for giving me your carbon copy, Puneet, the best decision you took for me. I wish when we meet again, you have the same wife, Mummy, only because only she can understand your heart, your calmness, your sincerity, your honesty, your hard work. Whatever you have done in your life, I think mummy ka bahut bada yogdan hai aapki us cheez ke piche. And I wish, main chahti thi ki main aapka beta ban ke aaun, ki main aapke sath zyada time bitaun, but ab ye nahi chahti. Ab main chahti hu ki sirf aapko beta aur daughter in law like Junnu and Nidhi hi mile, because the way they have taken care of you, I can't take care of you like this. So I have no words for you both. So next, whenever we meet, I want to be your daughter only. Papa, aapka bholapan, aapka innocency smile kabhi nahi bhool paungi. Love you. You may you rest in peace. Hari Om. Om Shanti 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 Om. Also, I would like to thank our family for loving him so much and remembering him as a sensei, honest man of the family. Special thanks to entire Pahadganj for giving him such a lovely farewell and Shradhanjali. Mere papa ka dil bas wahi ke liye dhadakta tha. Jo hum nahi kar sapaye, aapne उनके साथ हर मंदिर ने वो सब कुछ किया। राम राम। अभी बच्चों की तरफ से, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से ट्रिब्यूट है, वो रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं। Recording.
फैमिली एंड फ्रेंड्स प्लीज हैव पेशेंस बिकॉज अभी एक वीडियो लगानी है और सबने श्रद्धांजलि भेजी हुई है टेक्निकल ग्लिच के वजह से प्लीज हैव सम मोर पेशेंस टिल द टाइम निधि उनको श्रद्धांजलि देना चाहती है आई होप आप सब सुन रहे हैं हरिओम हरिओम सबको अभी कुछ भी ऐसे वर्ड्स में कहना बयान करना आपे इट्स वेरी वेरी टफ कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने उनके लिए लिखी थी द डे व्हेन वी लॉस्ट हिम आई ट्राई टू पुट द वर्ड्स अपनी वो 13 सालों की जर्नी दैट आई स्पेंट विद हिम फॉर मी इट्स मोर देन आई फील कि मैंने पापा से ज्यादा अपना एक बड़ी एक दोस्त खोया है ही वॉज द ओनली वन जिनको मैं घर में छेड़ती थी तंग करती थी सो आई हैव लॉस्ट माई पार्टनर नहीं समझ आता कि वो वाला मजाक किसके साथ करना है मेरी आंखों से मेरे पापा अपने पापा के प्यार से थी महरूम 22 वर्ष में बजी थी मेरी शादी की गूंज घर आई आपके कुछ घबराई और ढेरों सपने आंखों में लाई इच्छा था पाना वो माँ बाप जो ना थे मेरे पास प्यार किया आपने इतना कि लगा ना खोए मैंने माँ बाप मजबूत हुआ हर पल हम दोनों का बॉन्ड कि बेझिझक कहते थे हम दोनों दिल के राज साफ हंसते थे आप मेरी और प्रबल की मीठी आर्ग्यूमेंट्स पर दिल दुखता था आपका जब लगाती थी मैं बच्चों को डांट कभी ना देखा ऐसा इंसान जो करता था शिकायत कभी ना देखा ऐसा इंसान जो करता था किसी की भी बातें कभी ना देखा ऐसा इंसान जिसके मन में ना मैल ना वैर कभी ना देखा ऐसा इंसान जिसके था पास सिर्फ देने को प्यार ही प्यार आपके और मम्मी के रिश्ते में सुनी ना थी कभी कोई लड़ाई सोचा बुनू मैं भी प्रबल के साथ ऐसे ही रिश्ते की सिलाई मेरा और आपका रिश्ता था अनोखा जिसमें आपके साथ मजाक करने का कभी ना छोड़ा था मैंने मौका दिल भर आया था जब एक बार हॉस्पिटल में आपने बोला जुन्नू नहीं पर निधि है मेरा बेटा घूमने के शौकीन थे हम दोनों पहाड़ों की बातें करते घंटा हम दोनों सोफे पर बनाते थे हजारों बैठकर प्लान हर रोज करते थे कोशिश कि ना कैंसिल हो पाए वो प्लान पर अफसोस एक ऐसा पहाड़ एक ऐसी जगह जो आपके दिल के थी बहुत समीप और आपकी इच्छा के बाद भी शायद हम आपकी हेल्थ को कंसिडर करते हुए आपको ना ले जा पाए वहां खाने के शौकीन पकौड़े समोसे थे दिल के करीब दूर तक आंखों से रहता था सुरभि दीदी का इंतजार
जब आएगी तो खाएंगे गोलगप्पे और पापड़ी चाट। सपनों में से एक सपना था पाना सोने की सीढ़ी, देखना नाइसा और वर्ष के बच्चे, हम अनजान करते थे आपकी बातों पर विश्वास। ना सोचा था देखेंगे ये दिन जब नाइसा और वर्ष खो देंगे आपको खुद ही होते बच्चे। हर हॉस्पिटल की कठिन सफर से आप आ जाते थे वापस, फिर कोरोना की मार को भी मार डालते और आ जाते अपने घर वापस। मालूम था शायद आपको घर में ना ठीक मम्मी और ना निधि, इसलिए ले गए हमसे हमारे कष्ट। कैसे आएंगे वो दिन जब बेड पर बैठकर करते थे आपके बचपन कुछ खुरजा कुछ सब रिश्तों की बातें। कैसे आएंगे वो दिन जिसमें हम सुन पाए छोटे छोटे ढेरों सपने। कैसे आएंगे वो दिन जब मैं आपको छेड़ूंगी कि समोसे जलेबी खिलाऊं या खाना खिलाऊं। कैसे आएंगे वो दिन जब कहूंगी टीवी धीरे चलाओ पापा। कैसे आएंगे वो दिन जब आप बच्चों की बातों से भरते थे दिल। कैसे आएंगे वो दिन जब बर्थडे दिवाली पर भरते थे आप झोली। कैसे आएंगे वो दिन जब हम होते थे कंप्लीट और हैप्पी फैमिली। बच्चों का खजाना और आशीर्वाद है आपका अनमोल प्यार जो बनकर यादें रहेगा हमारे पास। डियरेस्ट पापा, एपिटोम ऑफ लव, आई केम इनटू योर फैमिली नॉट नोइंग व्हाट आई वुड फाइंड। I was nervous and afraid. Your smile and warm touch gently eased my mind and heart. You made me feel right at home from the first day that we met. You welcomed me with open arms and that I would ever forget. You always encouraged me with words of love. You were a great father. You stand out above the rest. I thank God for blessing me with you, the very best. Your love overpowered the love of my real father. I'll miss you dearly, our dearest Papa. You've done so much for me, and I, in return, can do nothing. All I'll say is, I promise to take care of your beloved wife, our dearest mummy, Surbhi Didi, and your beautiful extended family. Regards, Hari Om. Thank you. That is the reason I want you to be the daughter-in-law and me as a daughter. Now, family, please wait for kids. We can see the video. Awaaz tez ho gayi. The video GP ye na chal rahi hai. WhatsApp se. Mama, when Mama worries called me, Dadu saved me every time. I love you.
जब मम्मा मुझे डांटती थी और मैं बहुत छोटा था और जब मुझे रोना आता था मैं हमेशा आपके गोद में आके छिप जाता था और मम्मा मुझे डांट नहीं पाती थी और मैं आपकी वाली उस कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि जब भी आपने कभी भी मुझे किसी को भी चिल्ला के या तेज आवाज से नहीं बोला और मैं विश करता हूँ कि मैं आपकी तरफ बन तो नहीं सकता लेकिन थोड़ा सा आपकी तरफ बन जाऊँ। ओम हरि ओम हरि ओम। Nanu, I love you so much and you'll always remain in my heart. I'll cherish the lovely memories I have with you. I'll miss my Golgappa partner. I hope you'll always see what I'm doing and keep guiding me throughout my life. Thank you for everything. You were the most noble person I'd ever met. We'll miss each and every moment with you. I pray you rest in peace and keep showering your blessings on me. Thank you. मैं विनोद अरोड़ा रंजना अरोड़ा श्री सतीश धींगड़ा जी के साले सलज गाजियाबाद से हैं। वैसे तो यह खबर अपनी माता जी 89 वर्ष की हैं बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्योंकि उनकी तबीयत इतना बड़ा दुख सहन नहीं कर पाएगी। जीजा जी के निधन से समाचार ने निधन के समाचार ने झिझोड़ के रख दिया है। जीजा जी हर जगह आपकी याद आएगी। हम आपके साथ बीते समय को कैसे भुला पाएंगे। साथ तो ईश्वर ने छीन लिया पर यादों में बसकर हमारा साथ आप निभाओगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दिमंगत आत्मा को चरणों में स्थान दे बाप सारी परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। रोग रूपी दुखों से लड़ने की हिम्मत हम आपसे बस सीख पाए हैं। बड़ा दुख है कि श्रद्धा के दो सुमन भी हम ना चढ़ा पाए इसलिए अब श्रद्धांजलि स्वरूप अपने शोक से व्याकुल हो दो शब्दों से ही बस श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। और जीजा जी ने हमें बहुत ही अनमोल आखिरी जाने से पहले काफी समय से जूम पर योग में समय देते रहे। शायद उनका आखिरी संदेश था कि सभी शारीरिक व आत्मिक रूप से योग से जुड़े व A person that departs from the earth never truly leaves from they are still alive in our hearts.
He always alive in our hearts and minds through us. They live on. Please accept our condolences. He will be forgotten, never forgotten. Our prayers helps comfort you and hasten the journey of his soul to heaven. You are in our thoughts and prayers. He will surely miss the presence of a truly lovable and kind person. And he will never be forgotten. हमारे दिल में, हमारे हमारे हर संसार में, हमारे इतने बड़े परिवार में, आप जो हमारे सबसे बड़े हैं, हमेशा बड़े ही रहेंगे. हमारे पिता का स्थान आपका, हमेशा स्थान आपका ऊंचा ही रहेगा. और हमारी दीदी, हमारे बच्चे सुरभि, पुनीत, निधि, जुनू, बच्चे सभी लोग स्वस्थ रहें. और हमारे तरफ से उनको पूरी पूरी आशीर्वाद है. और इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति पूरे परिवार को प्रभु सबको दे. यही हमारी श्रद्धा सुमन है. मैं विनोद अरोड़ा, रंजना अरोड़ा, श्री सतीश धींगड़ा जी के साले सालेज गाजियाबाद से हैं. वैसे हरिओम. कोई ग्रुप में से, फैमिली, परिवार में से, फ्रेंड्स में से जो श्रद्धांजलि देना चाहते हो, प्रेम बुआ देना चाहते हैं, प्रेम बुआ मैं आपको अलाउ कर रही हूँ अनम्यूट के लिए. आई थिंक हुआ का डिस्कनेक्ट हो गया है. कोई और? हरिओम. पंडित जी, फैमिली के लिए भगवत गीता का कुछ अध्याय पढ़ना चाहते हैं सबकी शांति के लिए और पापा की आत्मा की शांति के लिए. तो मेरी फैमिली से रिक्वेस्ट है, जो कंफर्टेबल हैं, जो स्टे कर सकते हैं, दे कैन बी, अदरवाइज इट्स ओके. हरिओम. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं और आपके कर्म ये दिखाई देते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। तो आप मुझे ये ज्ञान सुनाओ जिसे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया। श्री महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तू सुन। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस उन पुरुषों को व्याप्ता है जो तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो, श्री नारायण जी एवं वासुदेव हो आप, नेत्र जो बंद किए हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, मुझको निंद्रा आलस नहीं व्याप्ता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूं। जैसे 25 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है और 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय चरण है और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं और जो अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी ज्ञान है उसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और मैं बहुत आनंद पाता हूँ। अब लक्ष्मी जी कहने लगे कि हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायण
ये बोले शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल और नमक लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वो बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया। वो तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को किसी भिक्षुक ने मोल ले लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ मांग कर लाता वो अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कोई खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिन बीते तो वो बैल भूखा मारा गिर पड़ा। मरने लगा पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते कोई तीर्थ का फल दे पर उस बैल के प्राण नहीं छूटते। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा ये भीड़ कैसी है। तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा मैंने जो कर्म किया उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की सुधि रही कि मैं क्या था पहले। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करो। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा तुम मुझे पहचानती है। गणिका ने कहा मैं नहीं जानती तू कौन है क्योंकि तू विप्र और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा कि मैं वही बैल हूं जिसको तूने अपना पूर्ण दिया था तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है तू अपना पूर्ण बता। वेश्या ने कहा मैंने अपनी याद में कोई पूर्ण नहीं किया पर मेरे घर एक तोता है। वो सवेरे कुछ पढ़ता है मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पूर्ण का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है। तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञान बस गुरु का अपमान किया। तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक दिन पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वो विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए
कुछ धन प्राप्त न हुआ, वो मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए, तो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता था। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूं इस गणिका के समझ में नहीं आता। वही पूर्ण निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। तो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, बुरे कर्म भले किए, नित्य प्रत स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र क्षत्रिय वैश अतीत उस वैश्य की पूजा करने लगे। और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। ये पहले अध्याय का महात्म्य मैंने तुमसे कहा, अब है दूसरे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रथम अध्याय का महात्म्य जो आपने सुनाया, उसके सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे अध्याय के महात्म्य को भी सुनने को हो रहा है। नारायण जी ने कहा कि हे प्रिय, सुनो, दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो वेद शास्त्र जानने वाला बड़ा सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा ब्राह्मण के घर आते, उनका अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता था। इस दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा कि हे महात्मन, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान के पाने का उपदेश कहो जिससे मेरा कल्याण हो। ब्रह्मचारी ने कहा कि हे ब्रह्मज्ञानी, आपने अच्छा प्रश्न किया है, उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है, वो मैं आपसे कहता हूं। उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ हो तो उसका वृतांत सुनाइए। ब्रह्मचारी जी बोले, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक वन में जहां मैं तप करता था, वहां एक अबाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था, थोड़ी दूर एक और सिंह बैठा था और पास ही मृगों का झुंड किकोल कर रहा था। उसी समय अबाली बकरियों को वन में चराने के लिए छोड़कर मेरी कुटी पर आया। वहां सिंह को बैठा पाकर बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता। इतना सोचकर वो डर से चीखने लगा। मेरी समाधि को खुली देखकर उसने पुकारा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, उस समय वो कांप रहा था।
उस अबाली को मैंने पास आने के लिए कहा, यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा नहीं की थी, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वो मेरे पास आया और प्रणाम कर बड़ी नम्रता से पहले अपनी संपूर्ण अवस्था कह सुनाई। तब कहा कि हे महात्मा जी, ये सिंह इन हिरणों को क्यों नहीं खाता? मैंने उससे कहा, ये अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी बैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो, वो मेरे अहिंसा व्रत का प्रभाव है। ये सुन अबाली ने कहा, हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर न हो। तब मैंने उससे कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में है कह सुनाया। अबाली दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया और तत्काल ही आकाश से विमान आए और उसको वैकुंठ को ले गए और वो अधम देह को छोड़कर दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। हे नरपुंगो, यदि तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ सुनकर उस पर आचरण करोगे तो अवश्य परम पद को पहुंचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर मुक्त हुआ और देव देही पाकर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार हमारे बाबूजी देवधारी वैकुंठ में वास करें, इनका आशीर्वाद परिवार के लिए जैसे करते थे, ऐसे इनका आशीर्वाद खूब फले फूले, सुख शांति बनी रहे, और बच्चों के ऊपर जैसे लाड़ प्यार करते थे ऐसे करते रहे, सुख शांति बनाए रखें। बाबूजी, हमारे कोई प्रोग्राम होता था बच्चे का, हमारे जन्मदिन जैसे आता था, ऐसे मेरे को बोलते थे आपको हवन करने चलना है, पूजा करने। कभी हवन कराते थे, कभी सरस्वती जी का पूजा करवाते थे, कभी सुंदर कांड का पाठ करवाते थे। मेरे ऊपर बहुत ध्यान रखते थे, जहां देखो कहीं बिटिया के यहाँ हवन करना है, कहीं प्रबल के मौसी के यहाँ जाना है, कहीं कहीं लेकर जाते थे, कहीं गुड़गावा भी लेकर मेरे को गए, हमारे भाई ने खरीदा है मकान, वहां चलना है। बहुत हमारे साथ इन्होंने बहुत परोपकार किया। 20 साल तक इन्हीं के बदौलत में रहा मंदिर में। बाबू जी हमारे छोड़ दिए, अब मेरा कोई साथी नहीं है मंदिर में पीछा कहने वाला। बहुत मदद करते थे, इन्हीं के बदौलत मैंने 20 साल तक रहा मंदिर में। जब लोग तंग करें कि लाल को क्यों हटाते नहीं हो, तो कहे अरे हटा दूंगा। अब से कहा तुम्हारी एक महीना छुट्टी, जाओ घर टहल आओ। जब एक महीना छुट्टी दे देते थे तो मैं घर पर आता था, तो मैडम जी से सिफारिश लगाता था, मैडम जी कहती थी
अरे एक महीना बहुत हो गया, उसके बच्चे से भूखों मर जाएंगे, 15 दिन का कर दो। बाबूजी कहते ठीक है चलो 15 दिन का कर दो, जाओ 15 दिन के लिए ठहरी आओ। बाबूजी हमारे, मैंने इसीलिए कुछ बोल दिया कि हमारे बाड़ी से प्रसन्न रहते थे, इसलिए मैंने कहा कि कुछ सुना दो छोटे फूटे शब्द, हमारे लिए बहुत खुश रहते थे। हम जब आते थे यहाँ घर पे, तो मैं बाबूजी के प्रसन्न करने के लिए कभी एक चीज खरीद लूं, वो खरीद लूं लाता था, एक एक पैसा का हिसाब पूरा देते थे, ये कितने का है ये कितने का देते, उसके बाद किराया देते थे अलग, पैसा उसका अलग देते थे, और बहुत प्रसन्न होते थे। लाओ लाओ पंडित जी हमारे आए हैं, क्यों चाय लाओ ये लाओ वो लाओ, तो बहुत सब लोग मिल करके यहीं पर भोजन करते थे, नाश्ता करते थे बैठ करके साथों साथ। मेरे से कहा है और बाबूजी बस हो गया, अब चलो मेरे तरफ से बाबूजी को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देता हूँ कि बैकुंठ में निवास करो। उस समय अच्छे नवमी थी, भगवान की कृपा से बाबूजी हमारे बैकुंठ में वास करेंगे, सुख शांति घर में रहेगी, इन्हीं के आशीर्वाद से सब चीज संपन्न रहेगा। बुआ प्रेम बुआ, प्रेम बुआ आप अनम्यूट कर पा रहे हो? कमलेश बुआ, सबको राम राम। बस हमारी तरफ से बच्चों को आशीर्वाद है, बहुत सेवा की बच्चों ने हमारे भाई की, बस सुखी रहो खुश रहो, ये हमारी तरफ से आशीर्वाद है। विजय भाभी आप बच्चों को हमारे को सबके साथ हमारे आप रहना, खुश रहो। ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही पर बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज फूल भी चढ़ गए हमारे भाई को। और निधि निधि अमृतवाणी का भी भोग डाल देना, वो हमने पढ़ा था ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बुआ, उसका भोग डाल देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा प्रसाद कर। वो 5 दिन होता है ना बुआ, तो आज बेशक घर में मम्मी और मैं कर लेंगे, तो फिर उसके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नागा वही मैं कह रही हूँ, नागा मत डालना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे परिवार को, सुरभि को, सबको, इवन हमारा भी भाई, हमको भी भगवान। आप सबको सबसे पहले, हम सबसे ज्यादा जीवन आपने गुजारा है उनके साथ, तो आपको तो हमसे पहले बिल्कुल। चलो सुख शांति से रहो जुन्नू।
हाँ जी नमस्ते बुआ। नमस्ते जुन्नू, तो बिल्कुल सोच मत, तूने बहुत सेवा की है पापा की। ये सब बताता रहता है हमारे को, सबको बहुत तसल्ली है तेरे से, बहुत अच्छा बच्चा है, निधि भी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छे संस्कार है, सब मेरे भाई के दिए हुए हैं सबको। खुश रहे जुन्नू, रात को सो जाया कर, अच्छा पता लगा है मेरे को सोता नहीं है, सो जाया कर, तूने कोई गलत नहीं किया था हॉस्पिटल भेज के, सिचुएशन के अनुसार भेजना ही था। ठीक, खुश रह, खुश रह बेटा। जल्दी मिलेंगे, अभी जल्दी मिलेंगे आप। हाँ, जल्दी मिलेंगे, आप सब बैठे हो तो हमारा भी मन कर रहा है। हाँ, बस हम भी मिस कर रहे हैं आप सबको बहुत ज्यादा, अपने परिवार को आज बहुत बहुत मिस किया, क्योंकि सबका साथ पापा की लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा, इंडिविजुअली सबका इतना ज्यादा योगदान है कि सब कुछ आंखों के सामने आता है, बट हम वर्ड्स नहीं है। पापा यूज टू लव ईच एंड एवरीबॉडी, पापा ने कभी किसी किसी के लिए भी कुछ नहीं बोला, कम बोलता था मेरा भाई, कहते थे विजय पापा से बात कर लेते थे, हम कहते थे चलो उनसे कर लेते हैं, फिर लास्ट 10 दिनों पहले मेरे से भी बात की, राजे से बात की खूब अच्छी तरह से। हाँ जी, काफी देर बात की है। प्रेम बुआ, आप कुछ बोलना चाहते हैं आपका, क्योंकि हमारा रह गया वो आप प्रेम बुआ आप अनम्यूट करके आना आ सकते हो। बुआ, मैंने आपको राइट दिया है कि आप खुद को अनम्यूट कर पाओगे, प्रेम बुआ आप कर लो। हो गया मैं अब क्या बोलूं यार, उसके लिए बहुत अच्छी आत्मा थी, तुम सब खुश रहो, उसके रास्ते पे चलो, वो कभी चिल्लाया नहीं तुम्हारे घर में, मेरे को नहीं लगता कभी ऊंची आवाज होगी सुनी थी हमने, कभी ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान तुम सबको शक्ति दे इतना बड़ा दुख सहने की, मैं तुम्हारी पोजीशन रियलाइज कर सकती हूँ अपनी पोजीशन को देख के, पर सब खुश रहो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, आप सबको इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से अबाउट सतीश पापा जी, बहुत अच्छी सेवा की है तुम्हें, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बुआ, कोई भी अगर और हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे शायद आप खुद कन्वे नहीं कर पाएंगे कि नहीं तो हम सब मिलके 3 बारी गायत्री मंत्र कर और उससे पहले सबको पूरी इंटायर फैमिली, पापा के हर ब्यूटीफुल रिश्ते, उनके भाई बहन, उनके दोस्त बच्चे, हर कोई, उनके दोते पोते, हर जगह बहुत सारे हर रूप में उन सबको दिल से धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर ब्लेस करने के लिए भेजने के लिए, थैंक यू सबको। अब हम 3 बार गायत्री मंत्र करके प्रेयर मीटिंग का भोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः
मैं मीटिंग की मेन होस्ट नहीं हूँ तो मैं मीटिंग एंड नहीं कर पाऊंगी, तो सब अपने लेवल पर सब लीव कर सकते हैं मीटिंग. Thank you so much, everyone, for being with us and for sharing your thoughts and love for Papa. Thank you. Om Shanti.